क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने अलग अलग डेट में आपको फोन लगाया है, आपने फोन रिसीव नहीं किया। और किसानों की हालत कैसी है? पब्लिक को डॉक्टर बना के लिए ताली बजवाना है, ऐसा में काम नहीं चलेगा। देने नहीं, ऐसा में काम नहीं चलेगा। किसानों को आप देखा रहे हैं, आप धान खरीदने बंद हो जाएगा, कौन कर्ज बताएगा? आप आदिवासियों को शोषण कर रहे हैं। समय कम है सर, कैसे आदिवासियों का आप शोषण कर रहे हैं? मैं इस बात को ऊपर तक ले जाऊंगा, नहीं ऊपर बात करूंगा, नीचे भी बात करूंगा। ऐसा होता है क्या? मैं आप मेरा फोन रिसीव नहीं करेंगे? मेरा फोन रिसीव नहीं करके आप मैंने आप रिसीव कर जाइए। 6 महीनों से लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, आप एफडीएम भान प्रतापपुर क्या खाएंगे गरीब लोग? ऐसी शासन को बदनाम करने वाले लोग बैठे हो, पूरे शासन को बदनाम कर रहे हो, फोटो खिंचा रहे हो जगह जगह जाकर के, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है नहीं? तुम लोगों के कारण हमारी सरकार बदनाम हो रही है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बीजेपी विधायक भोजराज नाग जो है वो काफ़ी व्यथित नजर आ रहे हैं, कलेक्टर से वो बौखलाहट भी अपनी जाहिर कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर, क्या जब विधायक की ही वहाँ पे अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो फिर आम जनता की क्या सुनवाई होती है? हम लोग के लिए तो बड़ा संतोष का विषय ये होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और मंत्रियों की क्या स्थिति है वो ऐसे वीडियो के माध्यम से अगर सार्वजनिक हो रही है, तो जिस बात को हम लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में और अन्य जगहों में भी भारतीय जनता पार्टी का जो वास्तविक चरित्र है, फासिस्ट चरित्र है, सारे तंत्र को अपने अधीन लेके काम करने का सोच और उनका जो चरित्र है वो उजागर होता है। कुछ ही दिन पहले रमन सिंह जी ने एक बैठक ली जिसमें कलेक्टरों और एसपीओं को बुला के ये कहा कि 2018 की तैयारी खुलेआम अगर आप कार्यपालिका का उपयोग चुनाव के परिणाम के लिए करने की सोच रखते हैं और उसको सार्वजनिक रूप से उजागर करते हैं, कलेक्टर और एसपी की मीटिंग आप अवश्य बुलाइए, अध्यक्ष अधिकारियों की मीटिंग आप अवश्य बुलाइए, लेकिन आपका उन अधिकारियों से क्या नाता होना चाहिए और आपको क्या पूछना चाहिए कि फलाने फलाने प्रोजेक्ट्स में, फलाने फलाने कार्यक्रमों में आपने क्या प्रोग्रेस लाया, ये सीएम का काम होना चाहिए अधिकारी से कि इन इश्यूओं पे आपको उनसे पूछना चाहिए कि धान खरीदी की क्या तैयारी, किसानों को क्या दिक्कत हो रही है, सार्वजनिक शौचालय बन रहे हैं उसकी क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, स्वास्थ्य की सेवाएं हैं उसमें आप उनसे ये पूछिए। आप उनसे ये कैसे कह सकते हैं कि 2018 के लिए अब 15 ओवर बचे हैं, आखिरी 15 ओवर हैं, अब अपने को बल्लेबाजी, अरे आप अधिकारियों को इन्वॉल्व कर रहे हो चुनाव के लिए। भारतीय जनता पार्टी आधिकारिक तंत्र का खुलेआम उपयोग अगर करेगी और मुख्यमंत्री अगर ये करता हुआ देखा जाएगा कि मान लो अपने कार्यकर्ताओं से जैसे उम्मीद करता हो और बात करता हो, तो वो अधिकारी दूसरों को क्या समझेगा?